ये देवी श्रावण मास के श्रावण मातम के 19वें अध्याय का पठन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। एकादशी व्रत एवं द्वादशी व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र शनि कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए उसे सुनो। एकादशी के व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। ये व्रत गुप्त उत्तम महान पुण्यता पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला था। सब व्रतों में उत्तम ये पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन प्रातः स्नान कर गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करना चाहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करना चाहिए। काम क्रोध और मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्री धर का जाप करते रहना चाहिए। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना करने मात्र से ये व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। नदी नहीं हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर आने पर श्रद्धाता भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन पुष्प दीप धूप आदि से करना चाहिए। रात को गीत वाद्य कथा सुनते हुए जागरण करना चाहिए। फिर कलश स्थापना कर पंचरत्न और स्वर्ण को कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों या मच्छर घूमरियों कलश में डालकर सफ़ेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफ़ेद कपड़ों से ढक देना चाहिए। देवेश की प्रतिमा शंख चक्र गदा तगदा से युक्त कर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः आहने करके श्रीधर का जाप करना चाहिए। शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना नहीं भूलें। भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अपने नौकरों को भोजन कराकर गोको भूसा देकर स्वयं बंधु बांधु सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों तिथियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्र रोपण के संबंध में बताता हूँ। एतात इसका अधिकारी कौन है ये जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण वे क्षत्रिय शूद्र और स्वधर्म स्त्री जनों को भक्ति द्वारा पवित्र रोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सत्युग में मणि का, त्रेतायुग में स्वर्ण का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्र का निर्माण करना चाहिए। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्र को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ वस्त्र से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपने क्रियालोपात पवित्र को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रश्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रतनाशक काम क्रोध आदि नहीं हो। आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रा, एक वर्ष तक के अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा भी आमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी को सुबह पूजा करें। गंध धूप चावल तथा हाथ में पवित्रा को घण कर कहें, हे देवेश, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। एक वर्ष तक पुण्य फल पर पवित्रा से निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव,
आपके सुप्रसाद से मेरे से जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रता को संपुटित कर नैवेद्य देना चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृतता तापाय द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रता को विसर्जन करके कहें, हे पवित्रे, एक वर्ष तक के मेरे अर्चन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हों, विष्णु लोक को दौड़ जाएं। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मण को दे दें या जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, जो मनुष्य का ये पवित्र अरोपण करता है वे संसार में आनंद भोकर अंत में विष्णु लोक को जाता है।